जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अनीता देसाई द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस नावेल फायर ऑन द माउंटेन का हिंदी समरी बताऊंगा। दोस्तों यह नावेल 1977 में लिखा गया था तथा यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड नावेल है। इस नावेल की प्रोटोगानिस मिसेस नंदा कौल हैं। यह नावेल 3 भागों में विभाजित है, तो शुरू करते हैं पहले भाग से। मिसेस नंदा कौल कसौली के पास स्थित एक सुंदर स्थान जो शिमला से कुछ दूरी पर है, करिगनानो नामक भवन में रहती हैं। यह करिगनानो नामक भवन का एक अपना अलग इतिहास है। यह भवन अंग्रेजों ने बनवाया था तथा 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ तो अंग्रेज इसको बेच गए और इसको खरीदने वाले थे मिसेस नंदा कौल के पति मिस्टर कौल। मिस्टर कौल पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद पर आसीन थे, जिनका अब देहांत हो चुका है। इस प्रकार मिसेस नंदा कौल करिगनानो में अपने रसोइये रामलाल के साथ रहती हैं। मिसेस नंदा कौल की बेटी भी है और बेटे भी हैं, लेकिन उन्हें अकेले रहना पसंद है। मिसेस नंदा कौल सोचती हैं कि वह जीवन के शुरुआती दौर में कितना बिजी थी, बच्चों का पालन पोषण, घर का देख रेख, पति की सेवा इत्यादि कार्यों में वह इतना बिजी हुआ करती थी कि उन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता था। इस प्रकार मिसेस नंदा कौल अब अकेले रहना चाहती हैं। वह अपने बेटी और बेटियों के पास नहीं रहना चाहती हैं, वह दूर करिगनानो में रहती हैं। उनका नौकर रामलाल घर का खाना बनाता है, घर का देख रेख सब वही संभालता है, मिसेस नंदा कौल कुछ नहीं करती हैं। इस प्रकार एक दिन मिसेस नंदा कौल अपने बरामदे में टहल रही होती हैं, तभी उन्हें सामने से एक पोस्टमैन आता हुआ दिखता है। अब पोस्टमैन को देख के मिसेस नंदा कौल काफ़ी विचलित होती हैं, क्योंकि वह समझ जाती हैं कि पोस्टमैन आ रहा है तो जरूर कोई चिट्ठी कोई खबर लेकर आ रहा होगा, जो मिसेस नंदा कौल को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहती नहीं है कि उनके इस एकांतवास में कोई आए और कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। इस प्रकार पोस्टमैन उनके पास आता है, चिट्ठी देता है और मिसेस नंदा कौल चिट्ठी खोलती हैं और पढ़ती हैं। वह चिट्ठी मिसेस नंदा कौल की बेटी आशा का रहता है। आशा लिखती है कि आशा की लड़की तारा है जो बीमार है और उसका पति उसे मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से काफ़ी एब्यूज करता है और वह अपने पति के साथ जेनेवा जा रही है इलाज के लिए। तो उसकी एक लड़की रहती है 12 साल की राका, जिसका नाम रहता है राका। तो वह राका को मिसेस नंदा कौल के पास भेज रही है। अब मिसेस नंदा कौल अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर की आने का संदेश सुन के काफ़ी विचलित होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके पास कोई रहे, वह अकेला रहना चाहती हैं। अब वह सोचती हैं कि यह राका जो है 12 साल की है, अब वो सोचती हैं कि उसका किस तरह से सेवा करेंगी, क्योंकि अब उन्हें पालन पोषण करना पसंद नहीं है। वो सोचती हैं कि राका को क्या पसंद होगा क्या नहीं पसंद होगा। तो इस प्रकार मिसेस नंदा कौल काफ़ी विचलित होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि उनके पास कोई रहे, उन्हें अपना एकांतवास ही पसंद है। यही सब सोचते सोचते नंदा कौल बैठी रहती हैं, तभी उनका टेलीफोन बजता है। अब एक और परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनका टेलीफोन तो बहुत कभी कभी बजता है, क्योंकि उनके पास कोई फ़ोन नहीं करता, वह अकेले रहती हैं। तो विचलित होते हुए भी वह टेलीफोन उठाती हैं। टेलीफोन पर पता चलता है कि उनकी एक फ्रेंड है ईला दास। ईला दास एक बातूनी प्रकृति की महिला हैं जो मिसेस नंदा कौल को बिल्कुल पसंद नहीं है। मिसेस नंदा कौल को कम बोलने वाले लोग पसंद हैं। इस प्रकार ईला दास बताती हैं कि वह उनसे मिलने आएंगी। अब ये सोच के मिसेस नंदा कौल और भी दुखी होती हैं। तो मिसेस नंदा कौल सोचती हैं कोई बहाना बनाए, वह बताती हैं कि उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर उनसे मिलने आ रही है। तो ईला दास सोचती हैं कि
मिसेस नंदा कौल अपने ग्रेट ग्रैंड डॉटर की आने की खुशी में खुशी जाहिर कर रही हैं। तो बोलती हैं इला दास, ठीक है जब वो आ जाएगी तो मैं भी आऊँगी मिलने। अब इला दास का जो चिंता होने की प्रक्रिया है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि दो दो लोग आने वाले हैं, उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर और उनकी फ्रेंड इला दास। अब यही सब सोचते सोचते नावल का पहला पार्ट इंड होता है। अब दूसरे पार्ट में शुरुआत होती है, मिसेस नंदा कौल बरामदे में टहल रही हैं और वो अपने नौकर रामलाल को भेजी हैं अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका को स्टेशन से लाने के लिए। वो खुद नहीं गई हैं क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, अब बहुत ज़्यादा उत्साहित भी नहीं है राका के आने से, चिंतित हैं वो, चिंता है उनको किस तरह से स्वागत करेंगे अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका का। अब टहलते रहती हैं, प्रतीक्षा कर रही होती हैं, तभी रामलाल राका को लेकर आता है। वह राका को गले लगाती हैं, बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करती हैं यह दिखाने के लिए कि राका के आने से वो बहुत खुश हैं। राका आती है, राका के खाने पीने बैठने सोने का इंतजाम होता है और कुछ दिनों के बाद मालूम चलता है कि राका भी इनके मिसेस नंदा कौल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहती है, वो भी बहुत कम बोलती है। इस प्रकार मिसेस नंदा कौल को ज्ञात होता है कि राका भी कहीं ना कहीं से उन्हीं की तरह है, उसे भी लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो भी दोनों लोग अपने ही दिमाग में एक अपना अलग ही दुनिया बसा रखे हैं। तो मिसेस नंदा कौल को यह जान के अब काफ़ी खुशी होती है। मिसेस नंदा कौल का नौकर रामलाल जो है वह राका को कहानियां सुनाता है, जिससे राका उसके तरफ आकर्षित होती है। ये सोच के मिसेस नंदा कौल को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह चाहती है कि वह उसके उनके तरफ आकर्षित हो। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन मिसेस नंदा कौल राका को टहलने लेकर जाती हैं, तो उन्हें और भी अच्छे से पता चल जाता है कि राका एकदम उन्हीं की तरह है, उसे अन्य बच्चों की तरह काफी क्वेश्चन पूछना पसंद नहीं है, वो भी अपने आप में ही बिजी रहती है। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। रामलाल एक दिन राका को लेकर आर्मी कैंप पे जाता है, वहाँ पे एक म्यूजिक प्रोग्राम रहता है, तो राका को तैयार करके वह म्यूजिक प्रोग्राम में लेकर जाता है। क्योंकि नंदा कौल सोचती है राका को छोटे बच्चों के साथ खिलाने के लिए, खेलने भेजने के लिए, लेकिन राका को छोटे बच्चों के साथ, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं है। तो इसलिए रामलाल एक बार आर्मी के म्यूजिक शो में लेकर जाता है, जहाँ पे आर्मी के का एक कैंप रहता है, वहाँ पे कोई म्यूजिक प्रोग्राम रहता है। अब राका म्यूजिक को सुनती है तो उसे एक हेलुसुलेशन होता है, वह उसके दिमाग में चलने लगता है कि उसके पिता उसकी मम्मी को मार रहे हैं, क्योंकि अक्सर उसके पिता तारा जो राका की मम्मी है उनको मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ करते थे। तो राका को एक हेलुसिनेशन होता है और वो घर पे आ जाती है, अपने रूम में रहती है। तो तभी रात का समय होता है और पहाड़ों पे आग लग जाता है। राका रात भर आग को देखती है, आग में बहुत सारा घर जलता है, लेकिन इन लोगों का घर बच जाता है। इस प्रकार राका काफ़ी डरी हुई होती है। मिसेस नंदा कौल को यह जान के दुख होता है कि राका को म्यूजिक प्रोग्राम पसंद नहीं आया। अब कहानी दोस्तों आगे बढ़ती है। अब कहानी के थर्ड पार्ट में का शुरुआत होता है, नावल का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इला दास आती हैं और राका को देख के एक उसके गाल पे चुंबन देती हैं। राका को यह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कहती नहीं है। अब दो पुरानी सहेलियां मिलती हैं, इला दास और मिसेस नंदा कौल। दोनों लोग बात करते हैं और राका भी वहीं पर रहती है, जो राका इन लोगों के बातें में इंटरेस्ट नहीं लेती है। राका को इंटरेस्ट लेने के लिए वो लोग तरह तरह की कहानियां अपने आप में बात करते हैं, कहानी पुरानी पुरानी कहानियों को याद करते हैं, लेकिन राका फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। इस प्रकार शाम हो जाता है। मिसेस नंदा कौल अब इला दास को विदा करने के लिए बाहर आती हैं। इला दास शाम हो गया है, लेकिन फिर भी वो जाना चाहती हैं, और मिसेस नंदा कौल चाहती तो उन्हें रोक भी लेती हैं, लेकिन मिसेस नंदा कौल को तो अकेले रहना है,
उन्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, उन्हें जीवन में एकांतवास चाहिए, इसीलिए वो रोकने का बहुत प्रयास नहीं करती हैं और इला दास घर से निकल जाती हैं। इला दास एक ऐसी महिला है जो काफ़ी तेज चलती हैं, लटक मटक के चलती हैं और कपड़े भी कुछ अजीब तरह से पहनती हैं, जिन्हें देखकर बच्चे उनको मजाक बनाते हैं। तो इस प्रकार इला दास जाती हैं बाजार में, उन्हें कुछ खरीदना होता है। मिसेस नंदा कौल को बाय बोल के वो बाजार में जाती हैं। अब इला दास जो हैं ये काफ़ी पहले रिच हुआ करती थी, धनी थी, लेकिन बाद में इनके भाइयों ने इनका सारा जो कि खानदानी जो जमीन था, जायदाद था, उसको इनको भाइयों ने लूट लिया था। तो इस प्रकार इनका इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। इस प्रकार ये बाजार में जाती हैं, किसी दुकान से कुछ सामान उधार लेती हैं और अपने घर के तरफ, अपने गांव के तरफ मुड़ जाती हैं। अंधेरा हो चुका होता है, अब अपने गांव के पास पहुंचने ही वाली होती हैं, तभी एक आदमी इनका रेप करके इनको मार देता है। अब वो मारने वाला रहता है प्रीत सिंह। चूंकि इला दास एक सोशल वर्कर भी रहती हैं और इस सोशल वर्कर होने के नाते जो प्रीत सिंह की एक बेटी रहती है जिसका उम्र काफ़ी कम होता है, वह उसका शादी करना चाहता है, लेकिन इला दास इसका विरोध करती हैं और शादी नहीं होने देती हैं, जिससे प्रीत सिंह को काफ़ी नुकसान हुआ रहता है और वह अपना बदला लेना चाहता है। इस प्रकार वह इला दास का रेप कर देता है, उनको मौत के घाट उतार देता है। अब इधर मिसेस नंदा कौल अपने रूम घर पे हैं, बैठी हैं, तभी उनका टेलीफोन बजता है और उधर से एक पुलिस वाला बताता है कि एक महिला का लाश मिला है जिसका रेप हुआ है, उसका मर्डर कर दिया गया है और वो शायद इला दास हैं, आप आकर उनको पहचाने। अब मिसेस नंदा कौल बहुत ही दुखी होती हैं, उन्हें शॉक लग जाता है, वह सोचती हैं कि वह कौन सा जीवन जी रही हैं। वह चाहती तो नंदा कौल को यहाँ रोक भी सकती थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तभी उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका आती है। राका ने बोला कि उसने पहाड़ों पर आग लगा दिया। अब ये बोल के उसने नंदा कौल का बारे में ही बताया, क्योंकि नंदा कौल एक ऐसी महिला हैं जो पहाड़ों पर रहती हैं और राका के आने के बाद उनके ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव हुआ है। इस प्रकार इस नावल का अंत होता है।